यस, सो दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप लोगों ने बहुतों ने मुझे बताया कि इस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। तो वो टॉपिक क्या है कि आप इफेक्टिवली गेट के लिए रिवीजन कैसे कर पाएं, उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है प्लस मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है। तो वो क्या है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रिवीजन का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस टाइम इंस्टेंटली वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लिक करे, उसको क्या बोलेंगे, वो तभी पॉसिबल है जब आप इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। अब तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं बोलने के लिए, लेकिन कुछ इफेक्टिव तरीके आपको बताऊंगा जिससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लोगे और एग्ज़ाम में आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, मतलब रिग्रेट होने का चांसेस बहुत कम होंगे कि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया, तभी आपको एक फॉर्मूला या फिर एक कंसेप्ट या फिर एक लाइन अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या है इफेक्टिव तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने जो टॉपिक पढ़ लिया अब तक बस इतना दूर रखिए, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोशिश मत करिए। अगर आपने कुछ सब्जेक्ट कर रखे हैं अच्छे तो उसको आप बार बार रिवीजन करिए, मतलब डेली मत करिए। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आज तो एक दिन बाद फिर से आप रिवीजन करिए, ताकि क्या होगा, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये होने के बाद अभी तो टाइम सबसे अच्छा टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आपको पता लगेगा कौन कौन सा फॉर्मूला कौन कौन से टॉपिक पे आप पीछे चल रहे हैं। बिकॉज गेट में ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज गेट में थोड़े से कंसेप्ट चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। जो स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन करेगा उसका क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से बात करें इस बारे में, बात करने के लिए कैसे रिवीजन करा जाए, कैसे प्रिपरेशन करा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कर पाएं गेट में। तो सबका एक कॉमन पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, टेस्ट सीरीज दो और देखो कौन से फॉर्मूला आप भूल रहे हो। जो फॉर्मूला भूल रहे हो उसको बार बार देखो। देखिए, आपके बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत सिंपल होंगे और उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे मज़ा आ गया, मैं तो क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, आप बोलोगे वहाँ से टॉपिक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बोलोगे क्या क्वेश्चन आ गया, मैं तो कर नहीं सकता। तो इस तरह केस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए, कोई अगर टॉपिक सिंपल है आपके लिए इसका मतलब कि आप उस टॉपिक के ऊपर आपने काफ़ी मेहनत कर रखे हैं, तभी आपको वो टॉपिक जो है बहुत सिंपल लग रहा है। तो आप जिस टॉपिक में बहुत लैग कर रही है, डिफिकल्ट आपको लग रहा है, आप उसमें उतना मेहनत कर लो, टॉपिक आपके लिए सिंपल हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक टॉपिक है जो टॉपिक मैंने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। तो एक बार क्या हुआ, मेरे को एक सब्जेक्ट मिला पढ़ाने के लिए, वो टॉपिक उस सब्जेक्ट में आता है और स्टूडेंट लाइफ में मैंने काफ़ी बार कोशिश करा, हुआ नहीं। और सडनली क्या हुआ, मैं देखा अपना सिलेबस क्या मुझे पढ़ाना है, तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, वो मुझे पढ़ाना है अब नेक्स्ट, जब मैं शुरू आया था तो मतलब टीचिंग प्रोफेशन में, तो मैंने देखा ओहो बहुत डिफिकल्ट बात है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ सीरियसली, जब मैंने देखा कि हाँ मुझे करना है तो विद इन हाफ एन आवर टॉपिक मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ दुनिया में डिफिकल्ट नहीं होते ना सिंपल होते, वो हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे सोच रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने के लिए आप लोग उतना टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूँ जिससे आपका रिविजन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, आप क्या करिए, सारे फार्मूलाज को लिखते जाइए, आप सिर्फ पढ़ो मत, लिख के पढ़ो फॉर्मूलाज को, उसके जो कंसेप्ट है उसको देखो, CGS यूनिट, SI यूनिट, यूनिट पे जरूर ध्यान देना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में गलती होने का चांसेस यूनिट में बहुत ज़्यादा होता है, तो यूनिट पे आपको ध्यान देना है और फॉर्मूला को जो पढ़ रहे हो आपको लिख लिख के पढ़ना है, ताकि आपका जो एफिशिएंसी है, आपको याद रखने का तरीका, आपका याद रखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो एक तो बात हो गया कि लिख लिख के आपको पढ़ना है, और एक बात क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का की पॉइंट्स बना लो,
हर एक सब्जेक्ट का जिसमें आपने इतना पढ़ा हुआ है, की पॉइंट्स से क्या करो, धीरे धीरे आप उस की पॉइंट्स को छोटे करते जाओ और लास्ट में क्या करिए, आप उसको एक या दो पेज में एक सब्जेक्ट पे ले आओ, ताकि क्या होगा, आपके पास मान लो 10 से 12 सब्जेक्ट हैं तो 12 सब्जेक्ट के 12 पेजेस होंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो आपके लिए उन सारे को फिर से दो तीन बार रिविजन करने के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो होपफुली आपको वीडियो में समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो थम्स जरूर लाइक दीजिए, और एक बात रिवीजन करने का और एक तरीका बता रहा हूँ, जो टॉपिक लगता है इम्पॉर्टेंट है आपके साथ, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बैठिए और उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए। और एक बात, आज से आप कम से कम कोई भी कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखें, अगर नहीं कर रखें तो कर लीजिए, किसी के भी सबके लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। तो आप क्या करिए, डेली कम से कम एक या दो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दीजिए, ताकि आपको पता लगे आप कितने पानी में हो, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। तो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं इम्प्रूव नहीं कर सकते कि टाइम नहीं रहा, डेढ़ बजे दो महीने में क्या होगा, हो सकता है, पॉसिबल है, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, बेसिकली मैं देखा जो इस तरह का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं गेट के लिए, खास करके इस टाइम छोड़ देते हैं कि भाई हो नहीं सकता, बड़ा डिफिकल्ट है, एक या दो टेस्ट सीरीज देके, ऐसा मत करिए। अगर एक या दो टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा है, अच्छी बात है, आपके पास स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। एक आपको अच्छी बात बता रहा हूँ इस वीडियो के एंड पे, बिकॉज मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इफेक्टिव रिवीजन क्या करना है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, वो क्या है, आपको टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करना है, आपको लिख के आपको रिवीजन करना है, तीन चीज़ें पर हो गया। और लास्ट जो बताया था आपको मैंने, वो क्या है, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाते थे आपको एक इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूँ, मैं क्या है, लास्ट ईयर मैं गाँव गया था अपना, मतलब मेरे नेटिव प्लेस गया था मैं, तो वहाँ पर एक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने एक स्टूडेंट को बोला, अच्छा बोला आपको पता है चैनल है यूट्यूब पर और वो ऐसे ऐसे वीडियोस डालते हैं, मतलब मोटिवेशनल वीडियो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है क्या अच्छा है, बट डेफिनेटली अच्छे होते हैं वीडियोस। तो मैंने उनसे पूछा आप देखते क्यों हो, क्योंकि मेरे को लगा नहीं वो स्टूडेंट पॉजिटिव तरीके से उन वीडियोस को यूटिलाइज करते हैं, तो उन्होंने बोला मज़ा आता है। क्या मजे लेने के लिए वीडियोस देख रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो, ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, आप उस वीडियो के जो की पॉइंट्स हैं वो 5-6 मैक्सिमम 4-5 होते हैं, उन पे ध्यान दीजिए और उन की पॉइंट्स में से एक पॉइंट को पकड़िए, ताकि जो चीज़ आपने उस वीडियो से सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज नॉलेज है वेरी गुड, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस नॉलेज का क्या काम है। Alright, I hope you got something important inside information from this video. And अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो क्या करना है, आपको थम्स लाइक बटन देना है और कमेंट में लिखिए अगला वीडियो आप किस टॉपिक में सुनना चाहते हैं, मतलब इस तरह का जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो है, अदर देन सब्जेक्ट के, कोई सब्जेक्ट के टॉपिक। ओके, होपफुली आपको मेरे जो टोटल है आपको समझ में आ रहा है, यूट्यूब चैनल से आपको होपफुली हेल्प मिल रही होगी, और मैं आगे और वीडियोस अपलोड करूंगा हर एक सब्जेक्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।